जल गई बर गई हो गई भसम, जौन लड़िका को रोई पर मर गए खसम। जय सियाराम। मित्रों स्वागत है आपका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में, और आज का प्रश्न लिया है श्रीमान मेवाराम कुशवाहा का। उन्होंने बड़ी ही आसानी से प्रश्न को अपनी अवधि के शब्दों में घुमा दिया है। प्रश्न सुनने में थोड़ा अटपटा है किंतु बहुत अच्छा प्रसंग है, सुनकर आप लोगों को भी आनंद अवश्य आएगा। जिन सज्जनों को कथा कहानी पढ़ने का शौक है वो हमारी वेबसाइट www.samajikgyan.com पर विजिट करके पढ़ सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक आदर्श धर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया तुरंत कर लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल सके और मुझे आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा संख्या देखकर और अच्छा करने की प्रेरणा मिले। शब्दार्थ। आपकी पहेली का शब्दार्थ जल गई। जल गई का मतलब है यहाँ पर किसी व्यक्ति के अग्नि से जल जाने की बात की गई है। बर गई, यहाँ पर भी किसी को अग्नि द्वारा जल जाने की ही बात की गई है। हो गई भस्म, यहाँ पर भी किसी के जलने की ही बात की गई है। यहाँ फर्क कितना है कि जलने वाला भस्म अर्थात राख बन गया है। अब यहाँ आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि पहेली में एक ही बात को तीन बार क्यों कहा गया, परंतु हिंदी शब्द है, प्रत्येक शब्द का मतलब थोड़ा अलग होता है। यहाँ जल गए मतलब कोई आग को गलती से छू ले तो क्या कहते हैं, वही बाबा जल गए, अरे यार जल गए, जर गए आदि छोटे से जलने को जल गए बोलते हैं। बरी गई मतलब शरीर का अधिकांश हिस्सा जब जल जाता है, अर्थात जब कम से कम 50% से ज्यादा जलने को अवधि भाषा में कहते हैं बरी गई। साधारण बोलचाल में जब चूल्हा जलाते हैं, सर्दी में हाथ सेकने के लिए अलाव या कोयरा जलाते हैं, और जब वो जलने लगता है तो कहते हैं चूल्हा फालतू बरी रहा है, अभी तक तुम्हार मसाला तैयार नहीं, काहे चूल्हा बार दे हो, फालतू आवत है का लकड़ी, पैसा नहीं लागत है का। मतलब जब धू धू करके कोई चीज जले उसको अवधि में बरी जाना बोलते हैं। इसके बाद तीसरा शब्द है हो गई भस्म, ये खतरनाक वाला जलना है। इसका मतलब जलने वाले की सिर्फ राख बची, पूरी तरह से जल गया। इसकी अगली लाइन है जौनों। जौनों का मतलब होता है जिस। लड़िका मतलब लड़का, को के लिए रोई, रोई अर्थात कोई महिला रोई, मर गए यानी मृत्यु हो गई। खसम, खसम का मतलब होता है पति। ध्यान रहे खसम शब्द किसी दुष्ट पति के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी महिला द्वारा किसी दूसरी महिला को गाली देने में भी किसी गैर मर्द या उसके अपने ही मर्द के लिए उसका खसम बोला जाता है। कई बार जो महिला अपने पुरुष को पसंद नहीं करती वो भी पति को स्वामी, पति देव या ए वो रिंकिया के पापा आदि न कहकर एक गाली की तरह खसम शब्द का प्रयोग करती है। यहाँ इस पहेली में एक और खास बात है कि जलने वाला कोई पुरुष नहीं अपितु महिला ही है, क्योंकि सभी जगह स्त्री सूचक शब्द गई बोला गया है। संदर्भ। मेवाराम कुशवाहा जी गांव या शहर का नाम तो आपने नहीं दिया है, किंतु आपकी पहेली अवधि भाषा में है, संदर्भ भी अवध का ही है। ये सत्ययुग काल की बात है जब असुरों ने राज्य को यहाँ आर्यों से जीतकर आर्यों पर कंट्रोल के लिए अपनी राजधानी जिला हरदोई को बनाया था, जो अब हरदोई कहा जाता है, इसका नाम पहले हरिदोई था। असुरों के राजा हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान घोषित कर दिया था
और लोगों को डराकर जबरदस्ती अपनी पूजा कराता था। उसके राज्य में भगवान विष्णु के किसी भी नाम को जपने या पूजा करने पे पूरी तरह से पाबंदी थी, और खासकर राम राम जो सबसे आसान नाम मंत्र है, इसको जपने वाले की जबान काट दी जाती थी। इसलिए उसकी पूरी राजधानी में कोई भी रा शब्द का उच्चारण नहीं करता था या कर नहीं सकता था, जो वहां के लोगों की आदत बन गई। आज भी बहुत सारे गांव हरदोई जिले में हैं, उसमें अब भी रा शब्द का रा का प्रयोग नहीं करते, वो हरदी को हद्दी कहते हैं, मिर्च को मिर्च कहते हैं, अर्जी को अज्जी कहते हैं, उर्द को उद्द कहते हैं, अरही को अढ़ई बोलते हैं, जबकि लाखों सालों के बाद भी उस राक्षस का डर बना रहा और फिर वो आदत बन गई। भगवान का इतना कट्टर विरोधी खुद भगवान बनकर उनको गाली दे रहा था, किंतु प्रभु की लीला देखो, उसके अपने खून से पैदा उसका अपना पुत्र ही भगवान विष्णु का परम भक्त पैदा होता है। वो राम राम ही बोला, वो भक्त प्रहलाद को अपनी जिद पूरी कराने के लिए बार बार मरवाने का प्रयास कर रहा था, किंतु हर बार भगवान उसको बचा लेते थे। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसके पास एक अग्निदेव की दी हुई चादर थी, उसको ओढ़ने से वो बच जाती थी, उसको अग्नि जलाती नहीं थी, किंतु भगवान के भक्त को जलाकर मारने की कोशिश करने वाला भला जिंदा कैसे रह सकता है। उसकी चादर जो ढक के बैठी वो मिलती जुलती दूसरी चादर ले गई, ऐसा कई विद्वानों ने लिखा है। कुछ लिखते हैं क्योंकि उस चादर को ओढ़ने का मतलब सिर्फ अच्छे कामों में ही हो सकता था, किसी निर्दोष को मारने वाले को चादर प्रोटेक्ट नहीं करती थी। ये पहेली में भक्त प्रहलाद की माता बोलती है, जब सुनती है कि होलिका उसके पुत्र को लेकर चिता पर बैठ गई है, अग्निदेव की चादर से उसे तो कुछ नहीं होगा, किंतु प्रहलाद जल जाएगा। वह दुखियारी माँ रोते बिलखते उस स्थान पर पहुंचती है और लोगों से सुनकर कि कैसे भगवान ने उसके पुत्र की स्वयं रक्षा की है और वरदानी होलिका जल गई, उनको लगा। जब किसी पहले व्यक्ति ने बताया कि होलिका जल गई, उनको लगा कि छोटी मोटी जली होगी, किंतु भीड़ से जब दूसरा व्यक्ति बताता है कि जल गई बर गई, मतलब हल्का फुल्का नहीं बल्कि पूरी तरह से अग्नि में बर गई, मतलब जल गई, अब भी उनको विश्वास नहीं हुआ, तो तीसरा बताता है कि अरे वो हो गई भस्म, मतलब वो राख बन गई। फिर माता पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है, तो लोग बताते हैं अरे माता आपका पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है, भगवान उसको स्वयं अपनी गोदी में लेकर प्यार कर रहे हैं, और मेरे पति, माता आपके पति का भगवान ने संहार कर दिया है, अब आप अपने बेटे के पास पहुंचकर भगवान से साक्षात मिल सकती हो। माता को तो अभी भी रोना था, बच्चा बच गया तो माथे का सिंदूर चला गया, अर्थात सुपुत्र के लिए रो रही थी, अब खसम की मृत्यु से उसके लिए रोना है। खसम शब्द का प्रयोग उस राक्षस के कर्म के कारण किया गया है, और उम्मीद करते हैं कि पहेली का समुचित उत्तर आप सबको अच्छा लगा होगा। अस्तु, जय सियाराम।